नमस्कार मित्रों, वैदिक ग्रंथों में हनुमान जी को सबसे शुभ और कल्याणकारी देवता माना गया है, क्योंकि महाबली हनुमान जी के भक्तों की भारी भीड़ भी रहती है और उनकी संख्या भी अधिक होती है। इसका कारण यह है कि हनुमान जी अपने भक्तों की जल्दी सुध ले लेते हैं, और इसलिए आज मैं आपको हनुमान जी का अचूक और प्रभावी मंत्र बता रहा हूँ, और कुछ विशेष उपाय आपको जो बताने जा रहा हूँ, जिससे कि हनुमान जी आपकी शीघ्र सहायता करेंगे। हनुमान जी के मंत्र का जप निश्चित संख्या में होना चाहिए, और पीपल के पत्ते पर सिंदूर से अपनी समस्या को लिख करके हनुमान जी की मूर्ति में भी रखना चाहिए। यानी कि पीपल के पत्ते पर आप कुमकुम या सिंदूर, क्योंकि सिंदूर ज़्यादा हनुमान जी को प्रिय है, तो सिंदूर को तेल में भिगो करके और किसी तिलिया की सहायता से आप अपनी समस्या को पीपल का बड़ा पत्ता लेकर के उसके ऊपर लिख करके हनुमान जी की तस्वीर या हनुमान जी के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रख दीजिए, और इसके बाद वहीं पर आसन लगाकर बैठ करके हनुमान जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पिंगाक्षाय नमः। मंत्र दोबारा सुने, ओम पिंगाक्षाय नमः। यह बड़ा ही चमत्कारी और शीघ्र प्रभावी मंत्र है, और संकल्प लेने के साथ साथ इसकी संख्या 9, यानी कि आप इसकी शुरुआत करके लगातार 9 दिनों तक इस प्रयोग को करें। इसमें वार या नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी वार को यह मंत्र का जप किया जा सकता है और यह प्रयोग किया जा सकता है। 9 दिन लगातार करना है। इसके पश्चात धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती चली जाएगी, जो कार्य बाधा है, जो कार्य में आपके रुकावट है, वो भी दूर चली जाएगी, और आपको मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, और आपकी हर प्रकार की कामना भी पूरी होगी। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सबसे पहले राम दरबार के मूर्ति के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और फिर हनुमान जी से मान सम्मान और यश कीर्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। और इसका दूसरा एक और प्रभावी मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी एक माला जप आप कर सकते हैं, जिससे और भी अधिक मंगल आपका हो सकता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम व्यापकाय नमः। मंत्र दोबारा सुने, ओम व्यापकाय नमः। इसकी भी निश्चित संख्या में एक माला का आप जप करें और 9 दिनों तक लगातार करें, क्योंकि जीवन की तमाम समस्याओं के निदान के लिए यह रामबाण उपाय है। यह मंत्र जैसे जैसे आप इस मंत्र का जप करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी स्थिति सुधरती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ मंत्र हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जिनमें से ये प्रमुख मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं, जिनके जाप से और उनके प्रभाव के द्वारा आपको हर प्रकार का संकट और पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सकती है। धन्यवाद।